हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ज़रूर अच्छे होंगे। चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं हूं पापिया, मेरी एक न्यू ब्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूं। दिन थे 12/4/2024। ये दिन था नील षष्ठी का, फर्स्ट डे का दिन। रेगुलर स्कूल जाना तो होता ही है, स्कूल भी गई थी लेकिन फर्स्टिंग करके ही गई थी। और उसके बाद वापस आके मैं फूल लेके बैठ गई हूँ माला गाँथने के लिए। माला मुझे बनाना है क्योंकि मुझे जाना है शिव जी के पास और उनको जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, तभी हो सकता है। एक्चुअली हमारे स्टेट में ये दिन हर पुत्रवती, मतलब जिनके पास भी बच्चे हैं उनको ये व्रत करना ही होता है, ये फर्स्टिंग करना ही होता है। तो मैं भी की हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है। तो इस दिन क्या है, कच्चा आम एक मेन चीज़ रहता है, उनमें से सारे फ्रूट्स तो देते ही है हम लोग, बेल का जो फल होता है वो भी देते हैं और उसके साथ आम, एक कच्चा वाला आम विथ स्टेम, ये हम लोग देते हैं। तो मैंने माला तो बना लिया है और उसके साथ साथ घर को अगरबत्ती देने के लिए, वो भी धुआं करने के लिए कर दिया है मैंने, तो लुबान जलाने के लिए। और इसके बाद मैंने ड्रेसअप कर लिया है, शाम होने को है, तो पहले मैं घर का पूजा करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में। तो पहले ही घर का पूजा मैं कर ली हूँ, मैंने शिव जी को बेलपत्ता और माला चढ़ा दिया है। एक माला मेरी घर की शिव जी को और एक माला मंदिर में जाने के लिए बनाया हूँ मैं। ये है मेरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति है मेरे पास, साईं बाबा है, सरस्वती माता है, गणपति बप्पा है, शनिदेव की भी है। जहाँ जहाँ मैं गई थी वहाँ वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और तीनों काली माता की एक साथ है, रामकृष्ण और शारदा माँ और विवेकानंद जी का भी है फोटो। तो अभी मेरी घर की पूजा और प्रसाद मैंने दे चढ़ा दिया है, अगरबत्ती मैंने जला दिया है और ये दिया जलती रहेगी। अभी मैं मंदिर में आ गई हूँ। ये मेरी गरीबों वाला मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए ना कोई बाधा आपको देते हैं, ना डालते हैं, ना पूछते हैं कि आप नहीं चढ़ा सकते हो, दूध नहीं चढ़ा सकते हो, कुछ भी नहीं। अकेली मैं ही जा रही थी, किसी का शायद इस दिन फर्स्ट नहीं होता है क्योंकि ये स्टेट अलग है और मेरे स्टेट की जो फेस्टिवल्स है वो अलग है। तो मैं जा रही थी तो किसी ने मना नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मैंने चढ़ा दिया है, फल भी चढ़ाया, उसके साथ एक आम भी चढ़ाई और माला भी चढ़ा दिया और बेलपत्ता भी। एक दिया मुझे जलाना है क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा है, इसलिए मैंने एक ही दिया जलाया और आरती भी कर लिया है। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मंदिर में मैं पहले नहीं जानती थी, मेरे घर के बहुत पास ही है, फिर भी मैं इस मंदिर की एड्रेस इतना अच्छे से नहीं जानती थी। एक बार आई, मुझे किसी ने एड्रेस दिया तो आई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अगर ठाकुर जी को टच करके जब तक मन चाहे आप पूजा कर सकते हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमने पूजा किया है, फर्स्टिंग किया है, तो ठाकुर जी को टच करूँगी और उसको अच्छे से पूजा कर पाऊँगी, यही तो सुकून है। तो मैं इस मंदिर में आ जाती हूँ। अभी मैं बाद में दिखाती हूँ वो मंदिर जो अमीरों की मंदिर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत रोक टोक करते हैं, आपको मंदिर में जाने नहीं देंगे, आप टच नहीं कर सकते हो, आप कैमरा लेकर नहीं जा सकते हो, आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हो, समथिंग 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 मोर बहुत कुछ नियम है उसमें। फिर मैं घर आ गई हूँ, आने के बाद फिर पूजा किया है और व्रतों कथा पढ़ने वाली हूँ। व्रतों कथा पढ़ने के बाद ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, वो प्रसाद उठाने के बाद आधा घंटा एक घंटा तक रखने के बाद वो प्रसाद मैं उठा लिया है और वही प्रसाद काट के मैं साबूदाना भिगो के खाना होता है इस दिन। तो साबूदाना के अंदर ये सारे फ्रूट्स और दही दही डाल के, और मैंने सारे फ्रूट्स डाल के एकदम ठंडा ठंडा दही डाल के इसके साथ ये खाऊंगी मैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं गुड़ इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छा खाने को लगता है, कभी खा के देखिए। रेडी हो गई है, मेरे बेटे को भी दूँगी, मेरे हस्बैंड को भी दूँगी और मैं भी खाऊँगी। ये दिन थे 14 अप्रैल। इस दिन हमारे न्यू ईयर्स होता है। नीम का पत्ता और कच्चा हल्दी, ये दोनों चीज़ मैंने हस्बैंड को बोला था लाने के लिए। नीम का पत्ता हम लोग खाते भी हैं और ये कि मैं क्या करूँगी वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। नीम का पत्ता मैंने जो एकदम एकदम फ्रेश है उसको अलग कर लिया है, जो थोड़ा बुढ़े हो गया है उसको थोड़ा अलग कर दिया है, और थोड़ा एक या दो पत्ते का स्टेम मैं रखूँगी। वो क्या करती हूँ बताती हूँ। ये देखिए मैंने हल्दी और नीम का पत्ता दोनों को पीस लिया है, एक पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बॉडी ऑयल। इसमें बॉडी ऑयल डालने के बाद ना क्या करूँगी पता है, हमारे फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, हमारे स्टेट की न्यू ईयर जो है नव वर्ष 14 अप्रैल को होता है, वो हमारे दिन इस दिन को ना
मेरी मम्मी छोटे से, कारण क्या है वो मैं बता नहीं पाऊँगी, लेकिन नीम की पत्ता और हल्दी मिक्स करके ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी में लगाया जाता था, पूरे मुंह पे लगाऊंगी। मुझे जितना लगता है नीम और हल्दी दोनों ना जर्मलेस करने के लिए बहुत आता है। ये गर्मी के टाइम में स्किन डिजीज़ कितना होता है, आई थिंक, मैं जानती नहीं हूँ बट मुझे लगता है। देखिए मैं भी लगाई हूँ। खीर बनाना होता है तो मैंने सिमाई का कस्टर्ड वाला खीर बनाया, और लंच में था बिरयानी और रायता और सलाद, ये था हमारी लंच। तो लंच भी बहुत अच्छे से की, क्योंकि न्यू ईयर के दिन होता क्या है, खाना खाना, बस थाली धोना और एंजॉय करना और सोना, यही तो होता है। तो बहुत अच्छे से हमने यूँ इंजॉय किया, इसीलिए एंजॉय कर पाई हूँ क्योंकि उस दिन था संडे। संडे के दिन मेरे स्कूल की छुट्टी रहती है, हस्बैंड का भी छुट्टी और बेटा तो अभी छुट्टी पे ही है, तो इसलिए इंजॉय बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। दोपहर की लंच अच्छे से खा पी के एकदम मस्त, सारा दिन पे बहुत मज़ा किए हमने। तो सबको मेरी तरफ से शुभ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और चैत्र संक्रांति भी चल रहा है। आप लोग क्या क्या करते हो, आपकी स्ट्रीट में क्या एक्स्ट्रा होता है इस टाइम, अगर है तो कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं शाम के टाइम में थोड़ा आरती देखने के लिए चली गई थी मंदिर, ये है आमिरवाला मंदिर, यहाँ पे बहुत रोक टोक है, बाहर का फ़ोटो और वीडियो में ले सकती हूँ, अंदर नहीं जा सकती, ये तो बहुत मंदिरों में है, लेकिन बहुत सुंदर है ये मंदिर। ये मंदिर में जिनको भी मेरे रिलेटिव्स आए हैं लेके आई हूँ, सब ने बोला है बहुत मस्त है ये मंदिर। बस अंदर तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बाहर की तरफ भी मैं दिखा सकती हूँ। अंदर अभी आरती ख़त्म हुई है तो मैं प्रसाद लेके आ गई हूँ। यही ऐसे ही मेरा दो दिन, दो फेस्टिवल के दिन मेरा बीत गया है, नववर्ष और नीलषष्ठी, ये दो दिन का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू।